नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय रेल में जो 140 टन का क्रेन यूज किया जाता है, काम में लिया जाता है, उसके संबंध में वो कैसे कार्य करता है और कितना बलशाली है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे जो ये कार्यस्थल पे, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, कुछ दिन पहले एक रेल का मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके 3-4 वैगन्स और एक ब्रेक वन डिरेल हो गया था। मालगाड़ी पूरी फुल गति पे थी, 75 km/h की गति पे थी और उसी समय ये दुर्घटना हो गई थी। उसमें ब्रेक वन गिर गया था, वैगन तो कूड़ा हो गए थे लेकिन ब्रेक वन से इसका है वो, रेल ने निरीक्षण के बाद निर्णय लिया इसको दोबारा से रेल के कार्य में काम लिया जा सकता है। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्रेक वन, उसके तहत इसको यहाँ पे ये क्रेन लगाया गया है। रेलवे का क्रेन है, 140 टन का सबसे हाई टेक क्रेन आज का रेलवे में है, वो आप ये देख रहे हैं। 140 टन का क्रेन है, ये पहाड़ जैसे वजन को भी आराम से उठा लेता है। अभी ये ब्रेक वन लेटा हुआ है और यहाँ के सुपरवाइजर और कर्मचारियों की रणनीति है, पहले ब्रेक वन को सीधा किया जाए और जब ब्रेक वन सीधा हो जाएगा तो इसको उठाना बहुत आसान है। अब देखते हैं ये रणनीति इनकी काम आती है या नहीं। ये हर पल एक जो कार्य करते हैं वो एक रणनीति के तहत कार्य करते हैं। एक इनका ऑपरेशन होता है, ये लाइट की व्यवस्था है, सिंगल जनरेटर, उसके ऊपर एक कपड़े का है ये खम्मा जो आप देख रहे हैं, इससे ये प्रज्वलित बहुत तेज रोशनी देता है। इस कपड़े खम्भे में ये एयर भर देता है और इसको बांध देते हैं रस्सियों से। ये महावली 140 टन का क्रेन आप देख रहे हैं, ये इसकी जटाएं हैं। इनके बीच में एक बार जो फंस गया वो समझो उसको दार हो गया। अभी एक बार ये ब्रेक वन सीधा हो जाए और इसकी जटाओं जो रस्से हैं, इसके तार के, लोहे के तार के जो रस्से हैं, इसकी जटाएं बोल सकते हैं आप इनको, ये महावली इनकी ग्रप में आ जाए सही से तो रेल करने में कोई परेशानी नहीं है, फिर रेल पे आ जाएगा ब्रेक वन आराम से। आप इसके कर्मचारी की सतर्कता देखिए, तत्परता देखिए, देखो थोड़ा सीधा किया जा रहा है, इसे ब्रेक वन को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से फंसा दिया, एक तरफ से खुला छोड़ दिया, रेल लाइन की तरफ इसको खुला छोड़ दिया है और क्रेन अपना कार्य कर रहा है। देखिए धीरे धीरे इसको सीधा किया जा रहा है, एक बार सीधा हो जाए फिर उठाने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। क्रेन इसको बिल्कुल एकदम से अधर कर लेगा, ज़मीन से बिल्कुल अधर, धीरे धीरे देखो सीधा किया जा रहा है। सभी कर्मचारी को दूर हटा दिया गया है यहाँ से, ऐसा ना हो कोई पार्ट्स उछल के आए और चोट लग जाए। और सभी को सतर्क रखने के लिए ऑपरेटर बीच बीच में हॉर्न बजाता रहता है और इसके हॉर्न से सतर्क करता रहता है। देखिए धीरे धीरे सीधा किया जा रहा है ब्रेक वन को, बहुत आसानी से किया जा रहा है कि और कोई नुकसान ना हो। और ये रेल होने के बाद में, रेल पे आने के बाद में ये देखिए सीधा हो गया है ब्रेक वन, धन्यवाद। ये इनका आधा काम हो गया है लगभग और आपने देखा कितनी तेज़ी से, स्फूर्ति से झपट के पड़ते हैं, ये झपट के आते हैं एकदम से अपने काम पे दोबारा से। ऐसा नहीं है कि ये डिले कर दें, एक्चुअली ये लगभग अभी रात्रि का 3:30 बज रहे हैं और ये कर्मचारी 12 बजे के लगे हुए हैं, इसमें 0 बजे से लगातार लगे हुए हैं। क्रेन को तैयार करने में बहुत समय लगता है, किसी भी वजन को उठाने के लिए, किसी वैगन इंजन या कोच को उठाने के लिए क्रेन को तैयार करने में बहुत समय लगता है। यदि आपको क्रेन को तैयार करने वाला वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, उस वीडियो को भी ला दिया जाएगा। हमने ये वीडियो लगभग 45 मिनट का शूट किया था, उसमें से ये 15 मिनट का महत्वपूर्ण वीडियो, ये कार्य कैसे करता है ही बस अपलोड कर रहे हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता इसलिए क्रेन कैसे कार्य करता है बस यही अपलोड किया जा रहा है। बाकी जो ये तैयार किया जाता है वो वीडियो हमने अपने पास सुरक्षित रख लिया। यदि आपको देखना है आप कमेंट्स करिए इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में, वो आपको स्पेशली भेज दिया जाएगा या यूट्यूब पे आपकी कमेंट्सों के आधार पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये 140 टन का क्रेन ने इसको सीधा कर दिया। इस क्रेन के बारे में आपको बता दूँ, इसके ये चल के
चक्कों पे आता है, लेकिन ये जो कार्य करता है तो इस स्वयं के पैरों पे खड़ा होकर कार्य करता है। इसके चारों तरफ एक एक पैर होते हैं, चार पैर होते हैं जिन पे इसको खड़ा किया जाता है। और एक बार इसके पैर जम गए तो ये पहाड़ जैसे वजन को भी आराम से उठा लेता है। और इसमें काफ़ी समय लगता है इसको तैयार करने में, क्रेन को पूरी तैयारियाँ की जाती हैं। रात का समय है तो लाइट की व्यवस्था भी की गई है, टेक्नीशियंस यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस लगे हैं जो लाइट की चारों तरफ व्यवस्था चकाचौंध रखते हैं बिल्कुल कार्यस्थल को। और इसके हॉक्स में फंसाया जा रहा है, जो इसकी जटाएं हैं लोहे के तार के जो रस्से हैं उनके हुक्कों में फंसाया जा रहा है ब्रेक वान को। एक बार ये ब्रेक वान फंस जाए, आराम से सही जगह से पकड़ में आ जाए इसको, फिर ये आराम से उठा लेगा। ये सुपरवाइजर आप देख रहे निरीक्षण कर रहे हैं कहाँ मतलब इसके हुक्कों को लगाया जाए जिससे इसको आसानी से उठाया जाए। ये देखिए ये सुपरवाइजर साथ में ये भी निरीक्षण कर रहे हैं ब्रेक वान में कितना नुकसान हुआ है, क्या ये रीटेल होने के बाद में रेल पे आने के बाद में चल पाएगा। तो मैं आपको बता रहा था ये क्रेन सेल्फ नहीं चल पाता है, सेल्फ प्रॉपेट नहीं है ये, चलता है तो सेल्फ प्रॉपेट बस इसकी स्पीड 2.5 से 3 KMPS की होती है जो बहुत कम है। इसको यदि कार्यस्थल पर ले जाना है तो लोको का सहारा लेना पड़ता है, और लोको पायलट का कर्तव्य है इसको सही समय पे निर्धारित गति जो इसकी है वो 100 KMPH है, 100 KMPH है। आपका सेक्शनल स्पीड यदि 100 KMPH है तो आप 100 से इसे चला सकते हैं, और यदि 100 KMPH से कम है तो आप 100 KMPH कम से चला सकते हैं। यदि 100 KMPH से अबव है आपकी सेक्शनल स्पीड तब भी आपको 100 ही चलाना है। स्क्रीन की स्पीड दी हुई है 100, ये बिल्कुल हाई टेक कंप्यूटर राइज स्क्रीन है, आपको दिखाया जाएगा। इसकी कैब के आसपास से वैसे जाने की अनुमति नहीं है। इस एरिया में आप देख रहे हैं एक विशेष कोड वाले व्यक्ति या सुपरवाइजर जिनको सब जानते हैं वही रह सकते हैं। ये इस कार्यस्थल के आसपास और किसी आदमी को नहीं आने दिया जाता है। यहाँ पे पता नहीं कब कौन सा पार्ट उछड़ जाए, और इनको पता है कि कब कौन सा वर्क किधर होना है, लेकिन आम आदमी नहीं जानता है। तो ऐसे आम आदमी को इस कार्यस्थल के आसपास नहीं आने दिया जाता है, चोट लग सकती है, जान जा सकती है, हाथ पैर जा सकता है। तो ऐसा जब भारी कार्य हो रहा हो तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए आम जनता को। ये सुपरवाइजर देखिए ऑपरेटर को हाथ के इशारे से ही कुछ समझा रहे हैं। हाँ, ये ऑपरेटर और वर्करों के बीच में और कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में सुपरवाइजरों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके लिए वॉकी टॉकी है। आप देख रहे हैं सुपरवाइजर वॉकी टॉकी से भी निर्देश देते रहते हैं ऑपरेटर को, और आराम से एक इशारा से भी, क्योंकि इसमें चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिनसे इसका ऑपरेटर हर कर्मचारी पर नज़र रखता है। यदि ज़रा सा कोई लापरवाह नज़र आता है या किसी को हटाना हो तो एक छोटा हॉर्न लगा हुआ है उसकी सहायता से उसको निर्देशित कर दिया जाता है। देखिए अब ब्रेक वान को फंसा दिया गया है चारों तरफ से हुक्कों में सही जगह से, अब इसको उठाने की कोशिश की जाएगी। आप देखेंगे ये क्रेन इतना बलशाली है, इस ब्रेक इतने भारी ब्रेक वान को, रेलवे के 8-व्हीलर ब्रेक वान को बड़ी आसानी से उठा लेगा ये, बिल्कुल जैसे बच्चा फूल को उठाता है। देखिए आदर कर लिया है, धीरे धीरे आदर किया जा रहा है, इसको उठाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे थोड़ा हमें दूर हटना पड़ रहा है तो कैमरा हिल रहा है हमें, क्योंकि हमें भी सुरक्षा बरतनी है। ये देखिए इसको धीरे धीरे उठाया जा रहा है, ये 8-व्हीलर है तो बहुत भारी ब्रेक वान है, रेलवे का आज का सबसे भारी ब्रेक वानों में इसकी गिनती की जाती है। बड़े धीमे धीमे इसको उठाया जा रहा है, देख रहे हैं आप बिल्कुल अधर कर लिया है ब्रेक वान को। जैसे अधर किया ऐसे ही कर्मचारी फिर से अपने कार्य पे लग गए हैं। देखिए ये कर्मचारी की सतर्कता देखिए आप, और कितना विश्वास है इनको इस महाबली पर कि हाँ ये हमें पता है इन्होंने उठा लिया है तो अब ये हमारे ऊपर इसको पटकेगा नहीं। ये आराम से देखिए धीरे धीरे इसको रेल लाइन पे लाया जा रहा है, बूम उठा के और घूम जाता है लेके। बड़ा शक्तिशाली क्रेन है ये, देखिए लेके घूम के बूम घूम के आ गया है।
धीरे धीरे रेल लाइन के ऊपर ये कर्मचारी ने कुछ इशारा किया है कि रोक लीजिए, पीछे की साइड से रेल लाइन के लेवल में आ गया है, रेल लाइन के बराबर में आ गया है। लगता है आगे वाला हिस्सा अभी थोड़ा सही नहीं है, ये इसको डाउन मांग रहे हैं कि डाउन। तो ये एक्चुअली आप देख रहे होंगे ऑपरेटर इनको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑपरेटर को ये दिख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की सहायता से। ये सुपरवाइजर देखिए वॉकी टॉकी पे कुछ निर्देशित कर रहा है, कुछ निर्देश दे रहा है, और इसके सभी व्हील्स को आराम से धीरे धीरे एकदम सही स्थान पर टिका दिया जाएगा। थोड़ा कर्मचारी भी इसमें सहायता करते हैं ये दाएं बाएं करने में। थोड़ा देखिए सुपरवाइजर तक इसमें थोड़ा धक्का मार रहा है कि ये थोड़ा इधर है और ये रेल लाइन पे सही से टिक जाए। एक्चुअली ये कर्मचारी लगे हुए हैं, शाम को 7 बजे से वर्क पे आए हुए हैं और कार्यस्थल पे लगभग 12 बजे, रात्रि के 12 बजे से लगे हुए हैं और रात्रि के 3:30 बज गए रात लगभग। ये तो अब काफ़ी थक गए हैं ये, अब तो ये इनको जल्दी हो रही है, जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन ब्रेकवान ख़त्म हो जाए और आराम करें। और इनका लगभग कार्य ख़त्म है होने वाला ही है, आपने देखा उठाने में लगभग 5-7 मिनट लगते हैं, इनका कार्य ख़त्म हो गया है, ब्रेकवान रीरेल हो गया है। ये ब्रेकवान आप देख सकते हैं पूरा रीरेल हो गया है, ब्रेकवान में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ये चल के जा सकता है। सुपरवाइजरों ने इसका पूरा जायज़ा लिया है, ये देख रहे हैं ECR रेल का ब्रेकवान था, ये इसका बूम है और अब इसकी जटाओं से फ्री कर दिया जाएगा जब रेल पर आ गया है। ये इसका कैब है जहाँ से ऑपरेट होता है, ये इसके पैर हैं, इस प्रकार इसके 3 पैर और हैं, एक आपने देखा इन पे एक बार इसके पैर जम गए तो ये ब्रेक वन क्या भारी से भारी बोझे को उठा सकता है। और ये इसकी जटाएं जो रस्से हैं इसके लोहे के क्रेन के, उनसे ब्रेक वन को आज़ाद कर दिया गया है, क्रेन का काम ख़त्म हो गया है। आराम से इसको देखा आपने किस प्रकार फूल की तरह उठा के रीरेल कर दिया, रेल लाइन पे ला के रख दिया। यही काम था इस क्रेन का, कितना भी भारी वेट हो, कोई भी काम हो, भारी से भारी इंजन, ब्रेकवान या वैगन्स, कोच कोई भी हो, उसको उठा के आराम से रख लेता है। और हम दुआ करेंगे रेल में कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें जहां पे इस महाबली की आवश्यकता हो। महाबली को जितना समय तैयार कर खड़ा करने में लगता है, उतना ही समय इसको दोबारा से रीसेट या फिर संभालने में लगता है, क्योंकि ये लेट के ही अपनी ट्रोली पे चल सकता है। तो ये कर्मचारी भी आपने देखे होंगे, इनको बहुत हाईटेक ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। आपने देखा कितनी तत्परता से हर कार्य को करते हैं, यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं ज़्यादा, यहाँ पे बस काम होता है। ये होती है भारतीय रेल की तत्परता, आपने देखी। और दोस्तों मैं आपको चाहूँगा ये भारतीय रेल के 140 टन का क्रेन का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसका कॉमेंट हम आपसे ज़रूर चाहेंगे। इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में एक छोटा ही सही, लेकिन आप कमेंट्स ज़रूर करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये भारतीय रेल के महाबली के नाम से ये नया लेटेस्ट वर्जन है, ये जो क्रेन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया वर्जन है, जटा झूल रही है बीच में और आप ये अंधेरा देख रहे हैं। इतना अंधेरा होते हुए भी ये कर्मचारी कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं, इनको अंधेरा और उजाला ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। हरगिज वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन पूरा उजाला करने की व्यवस्था बनाए रहते हैं, अंधेरा ना रहे, उजाले की कोई कमी ना हो। ये देखिए ये पूरा येल्लो कलर, एकदम येल्लो कलर धारण किए हुए वहाँ पीछे देख रहे हैं जहाँ पे वो शीशा है, वहाँ पे इसका कैबिन है, उसमें आपको एक स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी स्क्रीन की पोजीशन रहती है इसकी। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं पीछे कैब है, इसमें आपको पीछे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये इसका बूम है जिसकी सहायता से भारी वेट को उठा लेता है।
ये इसके रस्से हैं, आप देख रहे हैं ये गियर के द्वारा चारों तरफ घूमता है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पीछे, अब साफ क्लियर दिखाई दे रहा है वो। इस प्रकार ये भारी भरकम क्रेन अच्छे से अच्छे वेट को उठाता है और कर्मचारी आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ चढ़े रहते हैं, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता रहता है ऐसे ये इसके लिपटे रहते हैं कर्मचारी। इनको इतना अच्छा ट्रेंड किया जाता है कि इनको पूरा विश्वास होता है अपने आप पे कि हम किसी दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे, सुरक्षित रहते हुए आराम से कार्य करेंगे। ये ट्रेन क्रेन का कार्य पूरा हो गया तो इसको घुमा के आगे वाला छोर पीछे और पीछे वाला छोर आगे कर दिया जाएगा और इसकी ट्रॉली पे फिर से इसके बूम को लटा दिया जाएगा। तो इसको काफ़ी समय लगता है तैयार करने में। दोस्तों कमेंट्स अवश्य आएंगे, हम आपको कैसा लगा 140 टन के लेटेस्ट वर्जन क्रेन का जो रेलवे में काम किया जा रहा है लिया जा रहा है, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हम आपका एक कमेंट्स अवश्य चाहेंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स दोस्त। दोस्तों आप रेलवे न्यू अपडेट चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो आपसे निवेदन है लाल बॉक्स में लिखे हुए सब्सक्राइब को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के आइकॉन बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके, और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए या शेयर, यहाँ से आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और आइए देखते हैं पूरा वीडियो।